नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं और उनके वो बयान उनकी आलोचना नहीं बल्कि उनकी तारीफ ही करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि लोग उनकी तारीफ करते ही जा रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने ससुर यानी कि अपनी पत्नी के पिता के घर पर भी बुलडोजर चलवा दिया था क्योंकि उनका घर सड़क के बीच में आ रहा था। सुनिए क्या कहा है नितिन गडकरी ने। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए सासरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए। नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई हाईवे परियोजना के निरीक्षण के दौरान हरियाणा के सोहना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने नेताओं और उनके पद की चिंताओं को लेकर चुटकी ली थी और कहा था कि मुख्यमंत्री तक इसलिए चिंतित रहते हैं कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो कब तक अपनी कुर्सी पर रह पाएंगे। सुनिए क्या कहा था नितिन गडकरी ने। ये जो MLA थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज। और ऐसा नहीं है कि गडकरी के सिर्फ यही दो बयान है, वो अपने बयानों से हर बार कुछ न कुछ ऐसा कही जाते हैं कि वो उस दिन की सुर्खी बन जाती है। लेकिन सियासत में इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी इतना मुखर होकर बोलने वाले विरले ही हैं और नितिन गडकरी उन विरले नेताओं में से एक हैं।